गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बिल्कुल हालत में नहीं हूँ मैं ब्लॉग बनाने के लिए, फिर भी अपना रोजी रोटी ब्लॉगिंग से चलता है, बनाना ही पड़ेगा। पूरा दिन भर मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, रात को भी मतलब बुखार पूरा लगातार आते रहता है, तो आज हॉस्पिटल जाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मौसम ही ऐसा है, पता नहीं निकल पाऊँगा कि नहीं, हॉस्पिटल जा पाऊँगा कि नहीं। पूरा थकान, अभी तक मैंने मुँह भी नहीं धोया है, पूरा नाक बंद है, सब कुछ बंद है। और यहाँ पे सुबह सुबह ये लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं मेरे लिए, ड्रम स्टिक भी बॉयल कर दिया, और ये क्या ऑमलेट बनाया। पूरा हालत ख़राब हो गया यार, तुम सब हमसे दूर रहो रे, नहीं तो वायरस लग जाएगा। ठीक है, बारिश में बिल्कुल भी मत भीगना। मेरा पूरा नाक बंद, हमारा नाक तो बंद हो गया इससे। गर्म पानी किया कि नहीं? अभी मैं थोड़ा सा मुँह धोऊँगा, उसके बाद खाना खाऊँगा, खाना खा के दवाई लूँगा, और उसके बाद देखता हूँ बारिश रुकने से हॉस्पिटल में जाऊँगा मैं। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस। वैसे जो है खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन अगर जितना नहीं खाऊंगा उतना ही मेरा हेल्थ जो है बिगड़ जाएगा, तो इसलिए जो है मैं खाते रहता हूँ ना, नहीं तो नहीं खाऊंगा तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगा ना। तो अभी सभी लोग खा रहे हैं, मैं तो ये अंडा वगैरह ये सब नहीं खाऊंगा, इसका सूप पीऊँगा मैं। सूप, इसका जो सूप है ना ड्रमस्टिक बीन का, ओरे बाबा ये मज़ा होगा। और ड्रमस्टिक बीन भी खाऊंगा, सबसे पहले सूप पी लेता हूँ मैं। सर्दी सर्दी गाइस, आप लोग जो है संभाल के रहना रे, कोई भी अभी बारिश में मत भीगना, स्पेशली बच्चे। ओ माय गॉड क्या है, मज़ा है। पूरा रिफ्रेशमेंट फील हो रहा है। क्या हुआ मंजिता? बारिश में बिल्कुल मत भीगना, दरवाजा के बाहर भी मत जाना, ठंडा हवा लग जाएगा। अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है दोस्तों, जैसे ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया ना, इतना जोर जोर से बारिश दे रही है। ये देखो दीदी पूरा वहाँ से पानी उठा के लेके आ रही है हाथ पाव धोने के लिए, पाव जो है गंदा होता है। और ये वाले पैर पे ना बाप रे, चिड़िया पूरा छेंछा कर रहे है, बहुत वो लोग को ना बहुत वो लग रहा है मुझे। क्या बोलता है दीदी? दया आ रहा है। वो लोग समझते हैं यहाँ आके रहते हैं, हम लोग थोड़ी ना उन लोग को मार के खाते हैं, मैं वही बोल रही थी। बहुत दया लग रहा है बाप रे, इतना बारिश दे रहा है, पूरा छेंछा बच्चा भी है ना उस साइड में, इधर में एक तो सहारा वो करने से ठीक होना था, बा क्या करे, जिंदगी ऐसे ही है बा। इतना जोर जोर से बारिश, ये देखो पूरा डेंजर, हैवी रेन, फ्लड आने वाला है। हाँ क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, हाँ बहुत दिन हो गया, बारिश ही बारिश हो रही है। हमारे पास अभी सब्जियां नहीं है खाने के लिए, आज तो जैसे तैसे ब्रेकफास्ट में फिडलेट फ्रान खा लिया, अंडा फ्राई खा लिया, अभी देखते हैं डिनर में क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी एकदम खत्म हो चुका है। तो ऐसे बारिश देने से हम लोग कहाँ ढूंढ पाएंगे सब्जी वगैरह। बा इतना जोर जोर से बारिश, पूरा डेंजर ही डेंजर, भगवान कब डूब देगा। ये देखो शैतान भी आ गया। मैं सो गया था, बुखार भी आया था, तो अभी जाग चुका हूँ, दिन भर घर पे ही है हम लोग। पूरा बारिश ही बारिश का, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए पूरा बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है यार। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि कोई कोई स्टेट में तो इतना गर्मी हो रहा है, 42-43 डिग्री हो रहा है, हमारे इधर में तो भाई साहब 20 डिग्री से कम है, अभी इतना ठंडा लग रहा है, तो सर्दी वगैरह पूरा हो रहा है। और यहाँ पे देखो गाउजे को जेरी ने पूरा जैकेट लगा दिया, इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था मैंने, पूरा फार फूर के फिनिश कर दिया इसने, तो अभी लगा दिया। तो तुम ठीक है ना? अच्छा, ठंडा हवा मत, ज़्यादा ठंडा हवा में मत निकलो यार। मेरा जो बुखार है अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ, बांजी ने जो है एक वो टेबलेट दिया था दो, तो मैंने दोनों को खाया, उसका तभी ठीक लग रहा है। मैं आज हॉस्पिटल जाने वाला था, लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं जा पाया, क्योंकि इतना बारिश हो रही है, कैसे जाए ना हॉस्पिटल में भी, तो अभी रुक रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। अरे क्या हो गया? जॉइंट वाला में देखो ना पानी गिर रहा है। अरे पानी गिर रहा है यार यहाँ पे जॉइंट में, लकड़ी को देखो, देख के पूरा फिनिश हो गया यार, यहाँ पे भी गिर रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस,
पूरा गीला गीला हो चुका है। एक्चुअली जो है हम लोग का पत्ता वाला है ना, तो पत्ता जो है बीच में फंस जाता है पूरा टुकड़े टुकड़े होके, तो उस कारण पानी नहीं गिर पा रहा था, तो उस कारण ओवरलोड होके गिर गया। नहीं तो ठीक ठाक ही है ना ये जॉइन में पूरा, तो अभी ठीक हो गया ना, अभी जा रहा है ना पूरा। हम लोग का स्टोर रूम बहुत गीला हो गया यार, दो छत जॉइन है ना, दो छत जॉइन है, किचन वाला और मेन, पूरा पानी गिर रहा है अभी गाइस। एक्चुअली यहाँ पे जो है पूरा फंस जाता है ना। चलो अरे गावत जी तू भी आ गया, चलो चलो आओ आओ, बेचारा पूरा इसको भी ठंडा लग रहा है, चलो चलो आओ। फ्लोर खराब हो गया रे बाबा। वाह दीदी अभी भी निकाल रहे, पूरा जमा हो गया, वाह पूरा गंदा उधर से गिर रहा है। हाँ इतना गंदा, बाप रे, इसलिए तो पानी नहीं जा रहा था गाइस। वाह मांग रहे गावत जी पूरा हाथ से, ये मांग रहा है, लो बेटा खा ले, ले खा खा, इसका बहुत फेवरेट है। बच्चे खा रहा है, खाओ खाओ। मंजिता भी खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ, मेरा बुखार जो है भाग चुका है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अंदर में होता होगा, सर्दी भी थोड़ा कम हो रहा है। आज पूरा पीक लेवल पे था, लेकिन पूरा रात भर था, सुबह में भी था, बहुत तकलीफ झेला यार आज। अभी भी नाक बंद है, लेकिन मेरा पूरा मेरा जो आवाज़ है ना वो चेंज हो चुका है। तो अभी जेरी को बोला है मैंने मेरे लिए लाल चाय बनाने के लिए विदाउट शुगर, सिर्फ चाय पत्ती और गर्म पानी, तो उसके साथ में तो ये नमकीन वगैरह खाऊंगा, क्योंकि भूख भी लग रहा है मुझे। वाह फिनिश कर दिया बेटा, और खाओगे? लो लो। अभी कावजे को देखिए गाइस, इतना ज्यादा खा लिया, अभी उसका दीदी का मांग रहा है, ये वाला बड़ा वाला मांग रहा है। नहीं मिलेगा बड़ा वाला। और चाय आ चुका है, थैंक यू, अभी लाल चाय पीऊंगा मैं। दीदी और जेरी जो है वो लोग गए हैं दुकान पे, घर पे मैं और मंजिता थे, हम लोग के साथ गावत जी भी था, और वो जो है चोरी से चुपके से भाग गया दीदी लोगों के साथ, वो भी ना हम लोग जब टीवी देख रहा था थोड़ा सा इन्वर्टर में ऑन करके हम लोगों ने टीवी देखा, क्योंकि पूरा बोरिंग है ना, नेट भी नहीं चल रहा है, तो अभी उसको ऑफ कर दिया टीवी को, वरना इन्वर्टर का बैटरी अगर चार्ज खत्म हो जाएगा बैटरी का, तो रात को अंधेरे में खाना पड़ेगा ना, तो इसलिए। अभी थोड़ा सा हल्का सा बारिश रुक चुका है, थोड़ा सा मैं और मंजिता फैल रहे हैं अभी। अभी जो है दीदी और जेरी भी आ चुके हैं दुकान से, वाओ क्या क्या आलू लेके आए, मैदा लेके आए, और ये वाला ड्राई फिश ये तो खाएंगे आज, और यहाँ पे दाल भी लेके आया, मैंने बोला था दाल लाने के लिए, और इसे देखो पीछे पीछे गया था, पूरा गंदा होके वापस आया है, तुम लोग का पीछे पीछे गया था ना, इतना बुलाया मत जाओ फिर भी आ गया, फिर भी चला गया तुम लोग का साथ, इतना चालू है ये, पूरा पाव वगैरह गंदा हो गया। अरे तुम इतना शैतान क्यों हो रहे बेटा, हाँ धूप देने से नहाना ठीक है, अभी तो बारिश में नहीं नहा पाएगा। अभी जेरी यहाँ पे मेरे लिए दाल पकाएगी गाइस, एक्चुअली दाल मुझे सिर्फ बॉयल पसंद है, बस नमक देके पानी से बॉयल, तेल वेल देने का जरूरत नहीं है, तड़का मारने का जरूरत नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, नाकवा बंद हो गया मेरा। अभी डिनर बनाने के लिए भी शुरू हो गया, पूरा हम लोग खाना खा के पूरा सो रहा था, डिनर बना रहे अभी, और हम लोग कहाँ पे भी नहीं घूमाए, बस थोड़ा सा मूवी देख के लिटिल सिंगम वाला, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकल और बारिश देने लग गया, उसके बाद मामी आके देखो मामू के लिए दाल बना रहे, हमको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हॉस्टल में मिलता बोल के ना पूरा बॉमी बॉमी जैसा लगता है दाल बोलने से हमको। खाना तो पड़ेगा आज, नहीं खाएगा आज, रोटी बनाएगा, हम दोनों रोटी से चैलेंज करेगा कौन कितना खा सकता है, मैं बीमार होकर भी तेरे साथ चैलेंज करूंगा, मैं दाल के साथ खाएंगे, जीतेगा? हाँ हम जीतेगा, हमको पता है लिटिल सिंगम। देखो गावची पूरा जैकेट पहना हुआ है, मामी पहना दिया था, हम लोग के साथ टीवी में नहीं देखा ना मामा, पर मम्मी लोग के साथ चला या चुपके चुपके इधर से उधर से दरवाजा खोलने के लिए सोच रहा था, उसे नहीं खोल पाया तो इधर से आ गया, और मम्मी का पिन यहाँ पे लगा है, देखो यहाँ पे पिन लगा के इसका ड्रेस लगाना पड़ा, हाँ पूरा गंदा हो गया ये, हाँ धूप देने से ना दे। वापस करो का बच्चे वापस करेगा। देखो यहाँ पे है मम्मी का पिन, दुकान में लगा दिया था ना, यहाँ पे दाल पक रहा है गाइस, और अभी अभी मैं बोला था दिल, हम लोग का लैंग्वेज
डेल हम लोग डेल बोलते है ना, इसलिए डेल बोल दिया। डेल पक रहा है, डेल पक रहा है गाइस, बात तो सही है। और बाहर में जेरी आग चला दिया, क्योंकि ऐसा लोकल ऑर्गेनिक वाला आग जब तक नहीं जलाते घर पे गांव में तो उतना अच्छा नहीं लगता, सुना सुना लगता है ना, तो इसको जलाना जरूरी है स्पेशली हमारे समाज में। अभी पूरा रोटी बन रहा है गैस यहाँ पे, आज तो रोटी खाएंगे, रोटी रोटी भी खाएंगे, चावल भी। वाह, यहाँ पे जेरी पूरा गोल मटोल कर रही है और दीदी यहाँ पे गर्म कर रही है। वाह, फूल गया ना, फूल रहा है, फूल रहा है, कोई बात नहीं, बस गर्म हो जाना है। हो ही गया ना तैयार, हो गया, खाएंगे। तो खाएंगे गाइस, हम लोग का आज का डिनर बिल्कुल शाम के वक्त, अभी 5 भी नहीं बजे, 4 भी नहीं बजे आई थिंक। तो ये देखिए पूरा उजाला है, फिर भी हम लोग का डिनर होगा, लोग हंसेंगे यार हम पे। एक्चुअली हम लोग ने सुबह में खाया था, सिर्फ दोपहर को नहीं खाया ना, उस कारण भूख लग रहा है, तो अभी खाएंगे। फिर रात को अगर भूख लगता है 9-10 बजे ऐसे आसपास में, फिर से हम लोग दोबारा खाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो भूख लग रहा है, तो जब भी भूख लगता है खाना चाहिए ना, तो अभी खाएंगे। टेंगे टेंगे, हम दोनों रोटी खाएंगे, गावजी भी खाएंगे। गावजी तुमको रोटी ज्यादा पसंद है ना, राइस ज्यादा पसंद है? रोटी। वाह, तुमको रोटी ज्यादा पसंद है, आज तो खाएंगे ना दोनों। कितना रोटी खा लेते हो टोटल? 5। ओ माय गॉड, 5, आई डोंट बिलीव यू, मुझे तो विश्वास नहीं है, कैसे 5 खा पाएंगे? झूठ बोल रही है मंजिता। मंजिता देखो गिन रही है अभी, झूठ बोल रही हो, 5 तू कैसे खा लोगे, कसम से खा लोगे? आज कॉम्पिटिशन करे, चलो फिर आज तो पूरा मंजिता वर्सेस रूपम मामा, आज चैलेंज होगा, चैलेंज। और यहाँ पे आता है ना मैदा है रे, आता अच्छा। लड़की पकड़ो तो पकड़ो, हाँ। यहाँ पे रोटी बन रहे हैं गैस, तो अभी खाएंगे, और है 1, 2, 3, 4। अभी डिनर जो है आ चुका है गैस, रोटी आज तो चैलेंज होगा, ये तो 5 खा पाती है बोला है, तो देखते हैं मेरे पास कितना है, 1, 2, 3, 4। ओ माय, तेरे पास 2 ओनली, और भी आ रहे हैं, अभी पक रहे हैं, उसके बाद खाएंगे ना। तो आज हम लोग का डिनर हो रहा है 4:30 बजे गाइस। देखिए 4:30 बजे दूसरे जगह पे पूरा एकदम पूरा सूरज भी एकदम तपतपाती, मतलब धूप दे रहा होगा अब तक तो, लेकिन हमारे इधर में अरुणाचल में बहुत जल्दी सूरज ढल जाता है, सुबह जल्दी भी उग जाता है और शाम को जल्दी ढल जाता है, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत अंधेरा हो रहा है अभी, बट स्टिल क्लियरिटी तो थोड़ा बहुत है। बट आज सबसे हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है इतना जल्दी हम लोग जो है डिनर कर रहे हैं, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। तो अभी करते हैं डिनर, वाह वाह गर्मा गर्म, ये इसको दे दो, वाह रखो अभी गर्मा गर्म रहने दो ना, गर्मा गर्म ही ठीक होता है। और दालुआ कहाँ गया? दालुआ हम दालुआ के साथ खाई है ना मंजिता, वाह ऐसे दे देगा ना। हाँ हाँ, मुझे ना एक वो कटोरा दे दो, इसका सूप पीऊंगा मैं, इसका झोल जो बाद में ग्रेवी वाला से जो है रोटी के साथ खाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक ग्रेवी वाला, ये जो है मैं रोटी के साथ खाऊंगा, और ये वाला सूप इसको मैं ऐसे ही पीऊंगा। मंजिता को तो दाल बिल्कुल पसंद नहीं, हॉस्टल पे खा के पूरा बोर हो चुके बोला, तो चिकनवा के साथ खाएगा। तो अभी हम लोग खाते हैं यहाँ पे सब लोग बैठ के, चलो रोटी के साथ दाल, बहुत दिनों के बाद रोटी ना। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी आता है रोटी खाया करो, रोटी खाया करो, तो आज खा रहे हैं। जो जो लोग भी रिक्वेस्ट करते थे गाइस, आप लोग के रिक्वेस्ट पे, आप लोग के फरमाइश पे आज रोटी दाल। मंजिता भी खा रही है, और इसके साथ दाल का जो सूप होता है ये देखिए बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बस नमक प्याज पानी के साथ बॉयल, नो तेल, इसमें तड़का उड़का देने की जरूरत नहीं है, बिना तड़का का ये मतलब अच्छा लगता है मुझे दाल। खाओ, सुखा सुखा मत खाओ ना, दाल के साथ दुबो दुबो के खाओ, दाल के साथ खाओ तुम भी, नहीं तो चिकन ग्रेवी से खाओ ना। हाँ चिकन ग्रेवी के साथ खाओ, ये देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ऐसे एक बनाता हूँ ना, और इसमें ऐसे डाल के देखो। चीयर्स गाइस, अरे अरे गिर गया गिर गया। कहाँ 5 तू खा पाएगा इससे खाने से, हम तो अभी फिनिश कर देगा, एक ऑलरेडी फिनिश हो गया मेरा। ये देखो दाल खाओ ना, दाल क्यों नहीं खाती है ये लड़की।
लेकिन मैं 10 तो रोटी खाने से भी मुझे चावल थोड़ा सा चाहिए, मैं 10 रोटी खाने से भी पेट नहीं भरता है मेरा, फिर भी चावल इतना चाहिए ही, चावल खाने से पेट भरता है। हमारे लिए बिस्कुट जैसा है रोटी। चिकन स्पाइसी लग रहा है, बात भी नहीं बोलेगा। वाह, एक रोटी चार टुकड़ा काफी है, फिनिश कर देंगे। मैंने और मंजिता ने पूरा फिनिश कर दिया ना, तो अभी जो है मैं चावल नहीं खाऊंगा, अभी रोटी खा के दवाई सवाई खाऊंगा, उसके बाद रात को मैं चावल खाऊंगा, क्योंकि बिना चावल खाए अगर सो गया ना रात को इतना भूख लगेगा ना मुझे, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ इतना भूख लगेगा। हम लोग को मतलब रोटी खाने से भी चावल चाहिए ही चाहिए, तो रात को मैं 8-9 बजे ऐसे टाइम पे खाऊंगा फिर। तो अभी ये सब ये लोग साफ सफाई करेंगे, गाबुच्चे को खाना वगैरह देंगे और लाइट का वेट करते हैं, लाइट कब आएगा पता नहीं, लाइट आने से टीवी देखेंगे ना छोटा भीम। हम लोग क्या देखा था दोनों, हाँ लिटिल सिंघम, जब ये लोग दुकान गए थे हम दोनों ने लिटिल सिंघम देखा था। वो दाल फिनिश करने वाला था, फिनिश नहीं हुआ ना, हम खाएगा खाओ खाओ, अरे क्यों नहीं। खाओ, हम लोगों ने तो खा लिया और ये लोगों ने भी खा लिया गैस पेट भर के। अभी जरिए यहाँ पे बर्तन की साफ सफाई कर रही है और ले तो देखो गावजे का हिस्सा भी खा रहा है लास्ट में। इतना खा रहे हैं ये लोग आज। तो अभी हम बैठे हुए थे गैस, इतने में समीर भैया भी पहुंच गए, मुझे कॉल किया था मैं बीमार हूँ बोल के, इसलिए आ गए और अपना लोकल दवाई, ट्रेडिशनल दवाई, लोकल दवाई गैस, और ये वाला भी लेके आ गया भैया। एक्चुअली ये सब तो है भैया, आप लेके क्यों आता है, हम कल भी, हाँ हम भी लेके आया था कल, और ये मेरा भांजी भी लेके आया था, तो थैंक यू लाने के लिए। हाँ थैंक यू। और अभी लोकल दवाई ट्रेडिशनल और बेर का पेड़ का बाकुली, अच्छा आप लोग भी खा के ट्राई देखिए। हाँ हाँ, और जो होता है ना, हाँ हाँ, जो टाइफॉइड, हाँ हाँ, ये काम करता है। अच्छा, टाइफॉइड होने से ना, हम लोग नेपाली की लैंग्वेज में, अच्छा अच्छा, जो इसको निमोनिया पड़ता है ना, हाँ हाँ हाँ, यही बचाता है। अच्छा, दूसरा वाला चीज दवाई मत करना, लोकल ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी, हाँ पूरा लोकल गाइस, नो साइड इफेक्ट, लोकल दवाई। एक्चुअली मेरे पिताजी जब जीवित थे वो भी जो है ये सब बहुत देते थे लोगों को, अपना लोकल जड़ी बूटियों से जो इलाज करते थे वो, तो गांव में कुछ कुछ होता है ऐसा, लोकल जड़ी बूटियों से पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो इसका बहुत फायदा होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये सब दवाइयों का बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि पूरा केमिकल होता है ये सब, लेकिन क्या करें खाना ही पड़ता है। तो अभी भैया जो है दवाई तरह तैयार कर देंगे, शायद तैयार कर दूंगा, हाँ, लेकिन आज में खाने के बाद में ना गाइस, आप लोग का पेशाब भी जो पेशाब गर्म होता है ना, पेट गर्म, ये खाने के बाद में पेशाब भी एकदम ठंडा हो जाएगा, लाल वाला भी सफेद हो जाएगा, गारंटी हम देंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत आदमी को बचाया इससे। अच्छा, समीर मामा भी आ गया और मामू के लिए लोकल ऑर्गेनिक दवाई बना दे रहे, देखो कभी रास दवाई ना, एक के बार में पी देगा। देखो समीर मामा पूरा मंत्र करके दिया, अच्छा हो जाएगा। हाँ। मामा जी को ना, हाँ। मामा जी को कितना प्यार लगता है तुमका? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ना। फिनिश कर दिया, हाँ फिनिश कर दिया, हो गया। अभी जो है समीर भैया भी चले गए हैं, तो अपना भाई भैया का बीच में प्यार ऐसा ही बरकरार है हम लोग का, जब भी हमारा मुसीबत होता है वो आते हैं, उनका मुसीबत होने से हम जाते हैं, लोग तो कुछ बुरा भला बोलने से भी हम लोग का अपना दिल में अपना रिश्ता है। तो अभी जो है भैया चले गए हैं, तो कुछ खिलाने पिलाने के लिए भी था नहीं अपने पास, तो जो ये चाय वगैरह पिलाया बस। तो अभी जो है मैं गर्म पानी कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी गर्म पानी ही का सेवन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मंजिता और यहाँ पे गाबुच्ची, आजकल गाबुच्चे पूरा बहुत गुड बॉय बन रहा है, लेकिन गंदा होते रहता है, ये देखिए गाइस कहाँ मिट्टी में, धूल मिट्टी में, मत छो यार गंदा हो जाएगा। पानी भी गर्म कर लिया और फ्लक्स में भी डाल लिया, क्योंकि रात भर पानी पीने का मन करता है तो गर्म पानी पीता हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आज सुबह तो बहुत ज़्यादा बीमार था, शाम आते आते थोड़ा सा अभी तंदुरुस्त हो चुका हूँ, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का प्यार और आप सभी के दुआएं, और समीर भैया को थैंक यू अड्डा एना के, उन्होंने लोकल ऑर्गेनिक वाला दवाई भी पिला दिया। तो अभी मेरा वॉइस जो है पूरा चेंज हो चुका है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया मैम साहब,
नींद नहीं आ रही है, लाइट भी नहीं ना, क्या करे, गाबुजे भूख रहे हैं तो लाइट नहीं है। बस हम लोग इन्वर्टर का बैटरी से थोड़ा बहुत चला रहे हैं, अब इसको भी ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये चार्ज खत्म हो गया तो हम लोग फिनिश हो जाएंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।